लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियो नोटिफिकेशन के लिए पास में पड़े घंटी के निशान को जरूर दबाएं। हेलो, वेलकम टू ज्ञान में माय फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में एनीकास्ट डोंगल की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी और आपसे वादा किया था कि इसको कैसे, इसका सेटअप कैसे कनेक्टिंग होता है टीवी से, क्या कैसे होता है, ये सब आपको अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं अपना अगला वीडियो, देखते रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट के वीडियो में पुरानी वीडियो का लिंक आ जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा देख सकते हैं, ये एक HDMI डोंगल है जो आपके टीवी से मोबाइल को या टीवी से लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप का मिररिंग करता है, मतलब स्क्रीन मिररिंग, लैपटॉप का मिररिंग होगा, आपके मोबाइल का मिररिंग होगा। इसको सबसे पहले ये पावर कनेक्शन के लिए इधर कनेक्ट कर देते हैं, इसके साथ जो वायर मिला हुआ था आपको, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। इस पावर कनेक्शन की दूसरी साइड दो, एक वाईफाई दिया है, एक USB दिया है। वाईफाई तो उसका हमें कुछ नहीं करना, वो वाईफाई क्रिएट करता है। दूसरा जो USB डोंगल है वो आप देख सकते हैं, टीवी के पीछे दिया हुआ है। HDMI डोंगल के दो इनपुट दिए हुए और एक USB डोंगल के। तो सबसे पहले हम अपना HDMI डोंगल लगा देते हैं जिससे हमारा आगे का कार्य प्रोसेस होता रहे। दोस्तों, एक वन रहता है, एक टू, आप चाहे तो वन में लगाइए या टू, दोनों में वर्क करता है HDMI डोंगल। ऊपर वाला टू नंबर का रहता है, नीचे नंबर वाला है वन नंबर का रहता है। अब इसको पावर कनेक्शन के लिए इसका USB हम चाहे तो आपके अपने टीवी के नीचे लगा सकते हैं। अगर आपके टीवी के नीचे ठीक से नहीं बैठता तो उसे हम अपने मोबाइल के किसी चार्जर में भी प्लग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे टीवी में ये फिट पा रहा है क्योंकि दोनों पास पास में, इसलिए अपने एक चार्जर में लगा कर देखते हैं और उसको पावर लेते हैं। दोस्तों, ये वाईफाई क्रिएट करता है जिससे सेम वाईफाई से आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप कनेक्ट होकर स्क्रीन मिररिंग आपके टीवी पे करेगा। दोस्तों, देख सकते हैं पावर आ चुका है, पावर मैंने चालू कर दिया और अपना टीवी भी ओपन कर लिया है। अब इसको HDMI सोर्स में जाकर HDMI के ऊपर लेकर जाते हैं जिस HDMI में हमने लगाया है। चलिए दोस्तों, ओपन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ओपन कर लिया है और ओपन हो चुका है। दोस्तों, देख सकते हैं वेटिंग फॉर कनेक्शन लिखा है, ये डायरेक्ट स्क्रीन कास्टिंग आपके मोबाइल में दिया रहता है, आपके लैपटॉप में भी दिया रहता है। इसे डायरेक्ट कनेक्ट करके आपका स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं इधर पावर कनेक्शन पहुंचने के बाद टीवी में हमारे ये ऑन हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताते हैं, बहुत लोगों के मोबाइल ऐसा होता है जिनके में स्क्रीन कास्टिंग नहीं रहती, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने अगले वीडियो में बताएंगे जिनके मोबाइल में कास्टिंग स्क्रीन का ऑप्शन नहीं रहता, वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने टीवी को। फिलहाल मैं अपने लैपटॉप से इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, तो देख सकते हैं कैसे कनेक्ट हो रहा है। आपको दिख रहा है दोस्तों कनेक्ट का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे वाईफाई जो है एनीकास्ट जो डोंगल हमने टीवी के पीछे लगाया है, वो डोंगल का वाईफाई कनेक्शन हमारे PC या लैपटॉप पे देखेंगे तो आ जाएगा। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं एनीकास्ट का ऑप्शन है, इस पर हम टच करेंगे और ये कनेक्ट होगा जिससे हमारा मिररिंग डेस्कटॉप पे हो जाएगा। दोस्तों, देखिए मैंने कनेक्टिंग पर टच कर दिया है और टीवी पर देख सकते हैं कि जैसा कि कनेक्टिंग इन प्रोग्रेस लिख दिया है, ऑब्टेनिंग IP एड्रेस, प्रिपेयरिंग रेडी, और ये कनेक्ट हो जाएगा ऐसे थोड़ी देर में। दोस्तों, अब इसके बाद हम आपको मोबाइल का बताते हैं कि मोबाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं। जिनके मोबाइल में कास्टिंग स्क्रीन का ऑप्शन है उनके मोबाइल में बहुत ईजी स्टेप है, ऐसे आसानी से कर सकते हैं। कास्टिंग स्क्रीन के ऑप्शन में जाकर उधर से यानी कास्ट पे उस पर जिससे लैपटॉप में जैसा दिया ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, टीवी में ऐसा स्क्रीन कास्टिंग होने लगता है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से उस डोंगल के बारे में समझाते हैं। देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा बटन दिया हुआ है। दोस्तों, ये बटन अगर हम कनेक्ट करने के बाद दबा के रखते हैं तो इसमें का सारा डेटा रिसेट हो जाता है। अगर एक बार दबा कर छोड़ देते हैं तो एक ऐसी स्क्रीन ओपन होती है। दोस्तों, ये स्क्रीन वो रहती है जिनके मोबाइल में बुरी तरह से सपोर्ट नहीं करता हो। दोस्तों, इसे सेम वाईफाई से कनेक्ट करना है, जिसके बाद इसमें ऊपर देख सकते हैं जो लिंक दिया हुआ है 198, तो उसमें
सेम वैसा ही एंटर करके हम हमारा ऐसा ओपन होगा वाईफाई, वाईफाई पे हम जाकर इसका वाईफाई हम कनेक्ट कर सकते हैं और एक सेम वाईफाई से कनेक्ट करना है। जो मोबाइल कास्टिंग करनी है वो मोबाइल का भी नेटवर्क सेम रहना चाहिए वाईफाई का, इसका भी राउटर हो या तो अपने किसी मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आईपी एड्रेस वही एंटर करना रहता है अपने ब्राउज़र में। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको विस्तार से अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वाला ऑप्शन उनके लिए है जिनके मोबाइल में बहुत बुरी तरीके से सपोर्ट नहीं करता। तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि बहुत इजी स्टेप है जिनके मोबाइल में नहीं वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो वाला स्टेप, और ये वाला बटन दबाने से जो ये दूसरा ऑप्शन आता है वो वाला कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद दोस्तों।